फ्रेंड वेलकम टू माय चैनल शान टेक्नोलॉजी। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये हमारा 7582, इसका फ्लैशिंग प्रोग्रेस दिखाने वाला हूँ, इसको फ्लैश कैसे करते हैं। देखिए हम ये दूसरी बैटरी लगा रहे हैं। सबसे पहले इसको हम डाउनलोडिंग मोड पर लाने के लिए पावर अप, पावर बटन, वॉल्यूम डाउन बटन और होम की तीनों को एक साथ दबा के प्रेस करेंगे। यहाँ पर देखिए आ गया है, यहाँ पे आप कंटिन्यू कर देंगे और डाउनलोडिंग मोड पे आने के बाद हम इसको केबल लगा देंगे। तो हमने जैसे केबल लगाई उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे ओडिन 3 पे, ये हमारा ओडिन 3 है। उसके बाद दोस्तों हम इसको क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए। उसके बाद हम PDA पे जाएंगे, यहाँ पे PDA पे सेलेक्ट करेंगे अपनी फाइल को। तो जैसे कि मैंने ये फ़ाइल इसकी डाउनलोड कर रखी है, ये इसकी फ़ाइल, इसको एक्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद करूँगा। यहाँ पे देखिए अगर एक्ट्रैक्टिंग हो रही है फाइल की, जैसे ये 100% हो जाएगी उसके बाद मैं इसको फ्लैश कर दूँगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर फाइल आ चुकी है, ये करप्टेड फाइल है। तो मैंने एक और कर रखी है, मैं दूसरी चढ़ा देता हूँ। ये रहे यहाँ पे, ये देखिए सैमसंग 7582, मैं इसको क्लिक करूँगा PDA पे। यहाँ पर देखिए हमारा प्लीज़ वेट दिखा रहा है। यहाँ पे जैसे ही ये PDA में फाइल सिलेक्ट हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आपको हम दिखा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये PDA में आ चुकी है। उसके बाद हम स्टार्ट की कमांड देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चलने लग गया है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट स्टार्ट, ये देखिए बूट इमेज, कैच फाइल, ये सारी फाइलें इसमें चलने लगी हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है, देखिए डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है इसमें भी और उधर भी। यहाँ पर देखिए डन फाइल्स। तो दोस्तों कुछ समय का टाइम लगेगा, उसके बाद ये आपका फ़ोन फ्लैश हो जाएगा, फ्लैशिंग डन हो जाएगा। उसके बाद आप इसको ऑन कर सकते हैं आराम से, बिना किसी दिक्कत के ये फ़ोन ऑन हो जाएगा। फ्लैशिंग में दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें होने देना है फ्लेम इसको। ये हमारा 7582 है, देखिए वहाँ पर सिस्टम इमेज चढ़ रहा है इसमें, सिस्टम इमेज में टाइम लगता है। जैसे ये सिस्टम इमेज यहाँ पर लिख के आ जाएगा रीसेट इट। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, इतने में इसको पकड़ लेता हूँ।
नंबर यहाँ पर दोस्तों मैंने थोड़ी सी वीडियो पॉज कर दी थी, टाइम लग रहा था इसलिए। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर रिसेटेड पास हो गया है। देखिए यहाँ पर इसके बाद ये रिसेट होकर फ़ोन चालू हो जाएगा। उसके बाद आप केबल को निकाल देंगे, कुछ टाइम बाद आपका फ़ोन चालू हो जाएगा, बिना कुछ किए चालू हो जाएगा। आपका टाइम लेगा दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में यहीं तक के लिए आपका साथ देता हूं, बाकी आप देख लीजिएगा। फ़ोन चालू हो जाएगा 100% फ्लैश होने के बाद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।